वेलकम बैक। हाँ फाइन, एज कंफर्टेबल टू यू। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। विल बी स्टार्टिंग टुडे विद अ न्यू चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। प्राइमा फेसी, आई हैव आस्क्ड यू टू फर्स्ट लर्न ओवर हेड्स एंड देन कम, ओके। तो होप आप लोग ने ओवर हेड्स को एक बार रिवाइज किया होगा। ओवर हेड्स को रिवाइज नहीं किया है तो वापस घर पे जाओ, रिवाइज करो और फिर आओ। नहीं तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो इसको बंद कर दो, पहले ओवर हेड्स का वीडियो देखो, रिवाइज करो और फिर इसको वापस से प्ले करो। फाइन, बिकॉज ओवर हेड्स चैप्टर का ये इंप्रूव्ड वर्जन है। फाइन, दिस इज व्हाट एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ओवर हेड्स चैप्टर। सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट वी डिड इन ओवर हेड्स। फाइन, ओके, आई एम स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। शॉर्ट में उसको एबीसी भी कहते हैं। दिस इज नॉट द एबीसी विच यू आर लर्न इन मटीरियल चैप्टर, ओके। दिस इज नॉट द एबीसी विच यू आर लर्न इन मटीरियल चैप्टर। दैट वॉज वॉट, वो एबीसी क्या था? एग्जाम्पल नहीं पूछा, वो एबीसी क्या था? इट वॉज डीलिंग विद इन्वेंट्री। फाइन, एबीसी मेथड ऑफ इन्वेंट्री, ओके। कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रादर कि आपको कैसे इन्वेंट्री रखना है, बराबर है। तो वो ये एबीसी और वो ये एबीसी, वो एबीसी ये एबीसी में डिफरेंस है, तो उतना ध्यान रखना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिफोर वी स्टार्ट दैट, लेट अस रिकॉल अ बिट ऑफ ओवरहेड्स। फाइन, ओवरहेड्स में हम क्या करते थे और मैंने आपको क्या सिखाया है और उसमें वो चीज इधर क्या चेंज आएगा, ओके। सो क्विकली गोइंग थ्रू द ओवरहेड्स, व्हाट वी लर्न दैट देर आर सर्टन कॉमन एक्सपेंसेस। फाइन, लेट्स से रेंट एक्सपेंस है, ओके। फिर असेंबली रिलेटेड कॉस्ट है, देन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, ओके। फिर और क्या क्या आ सकता है? तो बोले इलेक्ट्रिसिटी है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन शिपिंग कॉस्ट, ओके। सो देयर वेर वेरियस कॉस्ट। फाइन, ऑल दिस कॉस्ट वेर प्राइमा फेसी अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेट्स से टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी टेक, P1 एंड P2, ओके। और मान लो कि ये सबका जो खर्चा है टोटल, इधर P1 का 10 लाख आता है और P2 का 5 लाख आता है, बराबर है। सो दिस वॉज माई टोटल बजटेड ओवरहेड्स, है ना? ऐसे कुछ याद आ रहा है? ये 10 लाख 5 लाख कैसे आता है वो आपने ओवरहेड्स के चैप्टर में सीखा। फाइन, प्राइमरी एलोकेशन, एलोकेशन फिर अपोर्शनमेंट, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी री अपोर्शनमेंट, फाइन, एंड देन टोटल ओवरहेड्स, ओके। और फिर हम क्या करते थे ओवरहेड्स के चैप्टर में? तो बोला रिकवरी रेट पर आर फाइंड करते थे। आइदर इट वुड बी बेस्ड ऑन मशीन आवर्स और इट वुड बी बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, बराबर है। फाइन, सो लेट्स आई टेक अ बेस ऑफ लेबर आवर्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो आई हैव 1 लाख लेबर आवर्स इन P1 डिपार्टमेंट एंड आई हैव 20,000 लेबर आवर्स इन P2 डिपार्टमेंट, ओके। सो व्हाट वॉज माई रिजल्टेंट आंसर? दैट वॉज रिकवरी रेट पर आर, उसको हम ऑल्सो नोन एज एब्सॉर्प्शन रेट पर आर, ओके। फाइन, तो कितना आया इधर? 10 रुपीज पर आर। इधर कितना आया? 25 रुपीज पर आर। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा अगर फिनिश गुड्स है, मेरे अगर दो फिनिश गुड्स है
find FG1 and FG2. If I have two finished goods, FG1 and FG2, and FG1 has passed through P1 department, has passed through P1 department for let's say 10,000 hours total. चलो एक प्रोडक्ट का अगर कॉस्टिंग निकालना है तो पर प्रोडक्ट ले लेते हैं. लेट्स से इट हैज पास थ्रू 500 आवर्स फाइन इन पी1 डिपार्टमेंट एंड पी2 डिपार्टमेंट में उसको लगा 100 आवर्स. बराबर है. तो ये प्रोडक्ट को हम ओवरहेड्स कितना चार्ज करते थे, तो बोले 500 इनटू 10 एंड 100 इनटू 25, सो व्हाटएवर इट वुड बी द टोटल कॉस्ट. समझ रहे हो. And same in case of finished goods too. Let's say this takes 1000 hours and this takes 200 hours. Fine. So again this would be 10 and this would be 25. Sound me aa raha hai? Fine. I am going fast only because you know what overhead chapter is. Okay. So this was what our charging of common expense to a product. Fine. But in this method, the most disadvantage was that even if let's say finished goods जो two है ना, finished goods two है, उसने कभी assembly का service, assembly का cost उसके लिए तो zero है, just for example, fine, because finished goods two है, वो ऐसा है कि वो assemble होता ही नहीं है. ओके okay, वो सीधा तैयार हो जाता है. ओके okay, वो पूरा एक ही प्रोसेस में तैयार हो जाता है, वो कभी असेंबल होता ही नहीं है. फिर भी क्या होगा, उसको असेंबली का खर्चा लगेगा. फिर भी उसको क्या लगेगा, असेंबली का खर्चा लगेगा. फाइन. क्यों? क्योंकि वैसे तो 10 लाख पूरा लोड हो गया ना, 5 लाख इधर पूरा लोड हो गया P2 का. समझ में आ रहा है. फाइन. So this overheads chapter, the absorption costing, that was called as what, traditional costing method. The what we learned was what, traditional costing method, absorption costing method. Fine. In that the rule was pretty simple, that you allocate the expenses department wise and you charge it to the product. You allocate the expenses department wise and you charge it to the product. Fine. Irrespective of whether product has consumed that services or not, irrespective of whether that product has used that expenses or not, means whether it has consumed that expense or activity or not. Fine. So over here there may be chances that we may end up to the overpricing, ओवर कॉस्टिंग. कैसे? अभी फिनिश गुड्स टू है जिसने कभी मटेरियल सॉरी असेंबली का एक एक्टिविटी भी यूज नहीं किया है और फिर भी असेंबली डिपार्टमेंट का इधर 1 लाख खर्चा है और इधर 25,000 का खर्चा है. तो 1,25,000 रुपया का अपोर्शनमेंट फिनिश गुड्स टू को वैसे ही जा रहा है विदाउट एनी रीजन. ओके, समझ रहे. सो दिस वॉज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ओवरहेड्स कॉस्टिंग द ट्रेडिशनल मेथड. ओके, दे सिंपली हैड अ बिलीफ दैट प्रोडक्ट ने, एक फिनिश गुड्स ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड किया और वो डिपार्टमेंट का पर आर कॉस्टिंग क्या आता है उसके हिसाब से चार्ज करो. फाइन. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दैट फिनिश गुड्स यूजेस और कंज्यूम्स दैट गुड्स और सर्विसेज. बराबर है, समझ में आ रहा है. फाइन. दूसरा एक एग्जांपल. नाउ लेट्स से अ रेस्टोरेंट. Fine. Where I'm selling a
soft drink, let's a mocktail, mojito like, fine. And I am also selling pizza, fine. I am also selling pizza and I am also selling a soft drink, mojito. Okay. Electricity expense. Fine. Electricity expense, for example, for a month is 10,000. Electricity expense for a month is 10,000. अब मुझे ये overheads cost को charge करवाना है, charge करना ही पड़ेगा. हमारा mentality क्या कहता है कि भाई overheads जो है वो हर एक product पे charge होना चाहिए, बराबर है. तो हमने क्या सोचा कि भाई मैं कितने यूनिट सेल करता हूं. लेट्स आई एम सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स 100 यूनिट्स एंड आई एम सेलिंग पिज्जा सेम 100 यूनिट्स. जितना मोई तो जाता है उतना अपना पिज्जा भी जाता है, फाइन. सो आई एम सेलिंग इन ऑल 200 यूनिट्स, फाइन. सो अ लेमैन, एज अ लेमैन, व्हाट आई सिंपली थिंक कि भाई ये 10,000 का खर्चा अल्टीमेटली तो मेरे 200 यूनिट को बनाने के लिए गया ना. ओके, अज्यूम देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इन माय होटल. सो 10,000 डिवाइड बाय 200 कितना आ गया? डिवाइड 50. ओके फाइन. सो 50 रुपीज पर यूनिट, 50 रुपीज पर यूनिट, सिंपल. ओके, तो क्या किया हमने, एक यूनिट इंटू 50, फाइन. सो 5,000 मैंने इधर चार्ज कर दिया और इंटू 50, 5,000 मैंने इधर चार्ज कर दिया. इसका डायरेक्ट मटेरियल जो लगा, डायरेक्ट लेबर जो लगा, वो तो अलग, बराबर है, फाइन. एंड दिस इज हाउ आई केम टू टोटल कॉस्ट, बराबर है. बट टेक्निकली वेदर दिस इज करेक्ट, बिकॉज मोहितो अ सॉफ्ट ड्रिंक विल नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी, फाइन. उसमें तो दो तीन मटेरियल मिक्स करना है एंड यू टू प्रेजेंट. ओके, द ओनली इलेक्ट्रिसिटी विच इट विल कंज्यूम इज अ जनरल लाइटिंग. ओके, द ओनली इलेक्ट्रिसिटी विच इट विल कंज्यूम इज वॉट, अ जनरल लाइटिंग, फाइन. वेर एज पिज्जा विल कंज्यूम मैक्सिमम, वाई, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस ऑन ओवन, फाइन. समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ कैन यू डायग्नाइज कि कहां पे हमारा गलती हो रहा था ओवरहेड्स के चैप्टर में, फाइन. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग वुड बी व्हाट, बोले कि पिज्जा कौन से ओवन में काम करता है और वो कितना इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट के टर्म्स में कंज्यूम होता है, ठीक है, फाइन. एंड यू चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट. लेट्स से इधर द मिक्सर अगर यूज होता है मॉकटेल में, फाइन, तो मिक्सर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पिज्जा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है. लेट्स से दिस कंज्यूम्स ओनली 1 kilowatt इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंज्यूम्स 3 kilowatt इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो एग्जैक्ट मेजरमेंट. ओके, एंड ऑन दैट बेसिस यू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फाइन, कि भाई टोटल 10,000 का खर्चा 20 kilowatt के लिए हुआ, फाइन, पूरे महीने में, तो 3 kilowatt के लिए कितना और 1 kilowatt के लिए कितना, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट ने जिस चीज का जितना सर्विस यूज किया उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग लगेगा, बराबर है. तो जो फालतू का चीज कोई प्रोडक्ट पे ऐसे ही लोड हो रहा था वो सब निकल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, एन एप्रोप्रिएट नियर टू एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी यू विल गेट अ प्रोडक्ट प्राइसिंग, अ कॉस्टिंग, ठीक है. और उससे आप लोग का जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी बहुत अच्छे से डिटरमाइन होगा, फाइन. नाउ दिस इज अ रियल फैक्ट, दिस एबीसी कॉस्टिंग इज अ मेथड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, बराबर है. बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसको एक्सेप्ट किया है
and they have got a results which has saved their cost in terms of billions of rupees, and which have increased their profitability in terms of billions of rupees. Fine. The few examples are General Motor Company. Fine. GM has implemented way back, and then they came to know that what mistakes they were making in traditional costing and what is the costing accurately as per ABC costing. Okay, fine. तो ये अभी एबीसी 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 कब से कर रहे, तो एबीसी काम कैसे करेगा? तो इसका नाम में ही पूरा चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड. आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन टू यू कॉस्टिंग इज व्हाट, कॉस्टिंग इज नथिंग बट, वर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अ मेथड विच डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर unit, fine, rather a method which help us to determine selling price per unit. Okay, so this is also a method whereby you will get a selling price. Okay, activity ke base pe hum costing ko determine karenge. To abhi apna pehla kaam kya aa gaya, what is your first job? Okay, what was first job in overheads, absorption costing? सबसे पहला job क्या था? Identify. क्या identify करने का? Identify क्या करने का? Cost center. Cost center. जहां पे खर्चा होता है. Fine. So department. You have to identify what? डिपार्टमेंट वेयर एक्सपेंसिस वेयर इनकर्ड. फिर क्या करते थे? फिर हम लिस्ट डाउन ऑल एक्सपेंसिस करते थे. फाइन, लिस्ट डाउन ऑल एक्सपेंसिस. फिर क्या करते थे? फिर हम करते थे एलोकेशन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, भाई तू लेके जा, भाई तू लेके जा, भाई तू लेके जा. ओके, फिर क्या करते थे? जो कॉमन एक्सपेंसिस होते थे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के, उसको क्या करते थे? अपोर्शनमेंट करते थे. ओके, और फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है उसको हम रीअपोर्शनमेंट करते थे, एंड देन वी हैड अ टोटल, एंड देन वी हैड रिकवरी रेट पर आर. ओके, फाइन. सो दिस वाज द स्टेप्स इन अवर ओवरहेड्स चैप्टर. फाइन, नाउ द स्टेप्स इन अवर एबीसी कॉस्टिंग वुड बी, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोले तो क्या? कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोले तो किसके लिए खर्चा हो रहा है, बराबर है? व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट? तो बोले खर्चा किसके लिए हो रहा है. सच प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच वी आर एक्सपेंडिंग. ठीक है, तो ये एक बार डिटरमाइन हो चुका. अब ये डिटरमाइन करो कि इस चीज को तैयार करने के लिए, दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर प्रोडक्ट और इट कैन बी कस्टमर्स. फाइन, फिर अब ये डिटरमाइन करो कि ये प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितनी एक्टिविटी लगती है. फाइन, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व बाय विच a raw material would be transformed into finished goods. Fine. So my second step would be to I have to identify. Study can be identification. Identification. Fine. I have to now identify कि भाई कहां कहां पे कौन सी एक्टिविटीज लग रही है. ठीक है,
ये जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा ये सारे खर्चे एक डिपार्टमेंट के थे, ये डिपार्टमेंट में इतने खर्चे हुए। एबीसी कॉस्टिंग कभी भी डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है। एबीसी कॉस्टिंग कैसा होगा कि देखो असेंबली, तो बोले असेंबली इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, बराबर है, फाइन। असेंबली इज व्हाट? एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, फाइन। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर कैन बी यूज बाय असेंबली एज वेल, मटेरियल हैंडलिंग एज वेल, ओके। शिपिंग, शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। अगर इधर वेल्डिंग आ गया, फाइन, वेल्डिंग बोले तो जो ज्वाइंट होता है, फाइन, तो वेल्डिंग अगेन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। क्लियर, समझ में आ रहा है? सेटअप, फाइन, मशीन सेटअप इज एन अगेन एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। सो लाइक वाइज वी हैव टू डिटरमाइन वॉट, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई एक मशीन को तैयार करने के लिए कौन सी एक्टिविटी से वो पास होता है। फाइन, रॉ मटेरियल पहले असेंबली सेक्शन में गया, असेंबली सेक्शन में असेंबल हुआ, फाइन, वहां पे वेल्डिंग एक्टिविटी लगा, वहां पे क्या कहते हैं, पेंट शॉप में पेंट हो गया, तो पेंट एक्टिविटी लगा, अभी मेरा वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। नेक्स्ट लेवल पे गया, उसका क्वालिटी चेक हुआ, इंस्पेक्शन चेक हुआ, फाइन, तो इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी हो गया, ओके, नाउ प्रोडक्ट इज कंप्लीट, फाइन, तो वो टेस्ट करने के लिए गया क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, पहले वो इंस्पेक्शन था, अभी क्यूसी डिपार्टमेंट में गया, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक हुआ, फाइन, कि भाई ये क्वालिटी कस्टमर के लायक है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स मीट होता है कि नहीं, फाइन, तो दैट इज अनदर एक्टिविटी। फिर वो शिपिंग और डिस्पैच में गया, ओके, सो अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, रादर प्रोडक्ट पासिस थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्लियर? सो इट दिस इज अ माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट रादर देन दैट मैक्रो लेवल, कि भाई बस डिपार्टमेंट का खर्चा, डिपार्टमेंट में कितना आवर्स यूज हुआ, बात खत्म। अभी इधर हर एक एक्टिविटी पे फोकस करो। तो ये एक्टिविटी लिस्ट डाउन किया, आइडेंटिफाई किया, अभी क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली चाहिए क्या हमको? खर्चा। अल्टीमेटली क्या चाहिए? खर्चा, बराबर है। तो ये जितनी एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की है उसको कंट्रोल करने वाला एक जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है वो क्या है, बराबर है, उसको आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन कॉस्ट। अभी इंस्पेक्शन कॉस्ट क्यों होगा, किस लिए वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, कौन से बेस पे इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होगा? सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा कम होगा वो तो पूरा कंपनी का सारा खर्चा वही कंट्रोल करता है, बट अभी हमको माइक्रो लेवल पे देखना है कि भाई खाली इंस्पेक्शन का कॉस्ट क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। आई एम सेलिंग टू वेरिएंट कार, आई एम सेलिंग 10 लाख कार, रुपीज 10 लाख कार, फाइन, सेगमेंट ए कार, बेसिक सेगमेंट कार, एंड आई एम सेलिंग सेगमेंट डी कार, दैट इज लग्जूरियस सेगमेंट, फाइन, विच इज आई एम सेलिंग फॉर 35 लाख, ओके, दोनों गाड़ी का इंस्पेक्शन क्या बराबर होगा? दोनों गाड़ी का इंस्पेक्शन क्या बराबर होगा? तो कौन से बेस पे आप इंस्पेक्शन को बाइफर्केट कर सकते हो? एक्सपेंस होगा ही इनकर, वही मैं बोल रहा हूं कि कौन से बेस पे एक्सपेंस ज्यादा इनकर होता है इंस्पेक्शन एक्टिविटी में। नो, खाली इंस्पेक्शन एक्टिविटी, लेट्स से इंस्पेक्शन कॉस्ट टोटल, इंस्पेक्शन एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट इज 100 लाख, बराबर है, फाइन। अब ये दोनों गाड़ी को मिला के 100 लाख है, फाइन,
बट आप लोग ने बोला कि सर 10 लैक्स वाली गाड़ी में इंस्पेक्शन का कॉस्ट कम होना चाहिए, 35 लैक्स की गाड़ी में इंस्पेक्शन का कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए. Why? Because it is luxurious segment car or this is a basic segment car. So what makes a difference? The more you inspect, the more closely you inspect. Fine. Let's say 35 lakh car mein mujhe bahut detail mein inspection karna padega. 35 lakhs wali car mein I'll have to inspect in detail. Fine. कि कस्टमर को बिल्कुल भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए. ओके ये सीट ऐसा है तो उसका ऐसा ही मेजरमेंट होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिसकंफर्ट. ओके 1920 भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी माई एक्यूरेसी फॉर 35 लैक्स कार. बराबर है, 10 लैक्स की कार में थोड़ा बहुत चलता है. ओके कुछ भी प्लस नो डाउट दे ऑल्सो गिव क्वालिटी, बट वो जो लेवल का जो इंस्पेक्शन होगा ना उतना नहीं होगा. चलो क्वालिटी कंट्रोल ही ले लो, क्वालिटी कंट्रोल इन 35 लैक्स कार वुड बी हाईएस्ट. फाइन बिकॉज वी आर गिविंग अ प्रोडक्ट. 10 लैक्स वाली कार में उतना ऑटोमेशन ही नहीं है तो इंस्पेक्शन तो कम ही लगेगा, जितना ऑटोमेशन ज्यादा उतना इंस्पेक्शन ज्यादा. फाइन 35 लैक्स की कार में पूरा ऑटोमेटेड है तो उसमें इंस्पेक्शन ज्यादा लगेगा. Fine. So what drives, what controls that inspection activity? Only number of inspections. Samajh rahe ho? Fine. So let's say inspection activity hai aur uska total kharcha 100 lakhs hai. Barabar hai. Aur ye inspection activity ne pure saal mein 1 लाख इंस्पेक्शन कैरी फॉरवर्ड किए, रादर टेक किए. फाइन दे अंडरगॉन 1 लाख इंस्पेक्शन, क्योंकि वो इंस्पेक्शन का जो रिसीट होता है उससे हमको पता चला कि ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने 1 लाख इंस्पेक्शंस अंडरटेक किया पूरे साल में और उसका टोटल खर्चा आया 100 लाख. तो क्या मैं 50-50 करके खत्म कर दूं? डिवाइड बाय 2 तो 50 लाख 10 लाख वाली कार को सेगमेंट को जाएगा, 50 लाख इसको जाएगा, खत्म कर दूं? नो, रॉन्ग. बराबर है, 10 लाख वाली कार का कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. ठीक है, आई वोंट बी एबल टू एट सेल एट 10 लाख. फाइन, तो सबसे बेस्ट बेस क्या, थोड़े इसको कंट्रोल कौन करता है, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट बेस इज डिपेंडेंट टू कंट्रोल दिस 100 लैक्स कॉस्ट? बोले नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बोले 1 लाख इंस्पेक्शन ने ये 100 लैक्स को कंट्रोल किया है. बराबर है, अब जो मेरा बेसिक सेगमेंट कार है उसने पूरे 1 लाख में से सिर्फ 20,000 इंस्पेक्शन को यूज किया है. मीन्स throughout the year my basic segment car was inspected only 20,000 times. Okay, whereas my D segment car was inspected 80,000 times. This may have been sold 1000 units, 1000 car biki, and this may be sold just 100 units. Barabar hai, but uske liye inspection 80,000 times hua these 100 cars. Okay, but this 10 lakh segment car, no doubt it was sold 1000 cars, we sold 1000 cars, but only 20,000 inspection mein wo sab tested ho gaya. Okay, fine. To agar main pehle kaise deta 50-50 lakh de deta to aap socho kya hota halat. Theek hai, ab kya hoga, 100 lakhs ka kharcha 1 lakh inspection ke liye to 20,000 ke liye kitna? अदरवाइज क्या करते हैं, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बताया. अदरवाइज क्या करेंगे, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन निकालेंगे, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन. फाइन, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, सिंपल है. फाइन, तो कितना आया, 100 रुपीज पर इंस्पेक्शन. कितना इंस्पेक्शन लिया बी ने, 20,000.
तो उसको उतना. ओके समझ में आया? क्लियर. सो ये जो मैंने डिटरमाइन करवाया आपसे, आपको पूछ के रादर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, वो अल्टीमेटली क्या है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज इन टेक्निकल टर्म्स इन एबीसी कॉस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर. ड्राइवर कौन होता है भाई? जो गाड़ी को कंट्रोल करता है, गाड़ी को चलाता है. बराबर है? जो गाड़ी को कंट्रोल करता है, जो गाड़ी को चलाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राइवर. वैसा ही कॉस्ट ड्राइवर है. कॉस्ट ड्राइवर बोले तो ये इंस्पेक्शन जो चीज है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो है, वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट कंट्रोल करता है, वो बेस है. बराबर है? समझ में आ रहा है? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. बोले डिस्पैच डिपार्टमेंट का कॉस्ट. बोले डिस्पैच डिपार्टमेंट का कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होगा? कितना डिस्पैच करते हो. बराबर है? ये 1000 गाड़ी डिस्पैच हुआ और वो सिर्फ 200 गाड़ी डिस्पैच हुआ. गेटिंग माय पॉइंट? ये 1000 गाड़ी डिस्पैच हुआ, वो 200 गाड़ी डिस्पैच हुआ, तो किसको ज्यादा डिस्पैच का खर्चा लगेगा? बी को. ओके गेटिंग माय पॉइंट? फाइन. सो उसको कौन कंट्रोल करता है? डिस्पैच डिपार्टमेंट को, नंबर ऑफ डिस्पैच. फाइन. सो डिस्पैच डिपार्टमेंट, रदर डिस्पैच इज एन एक्टिविटी एंड द थिंग विच कंट्रोल्स एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर. इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट ड्राइवर, विच ड्राइव्स द कॉस्ट. ओके. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी हो गया. जैसे ही एक्टिविटी का आइडेंटिफिकेशन होता है, और एक ले लो एग्जाम्पल, सेटअप. ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक गाड़ी, फुल्ली ऑटोमेटेड है. बराबर है? तो इसका मशीन सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट बहुत कम टाइम सेटअप करना पड़ता है क्योंकि ऑटोमेटेड है. बी इज अ नो डाउट, इट इज हाइब्रिड, लेबर और मशीन दोनों का इंटरवेंशन है, बट इसको सेटअप बार बार करना पड़ेगा. फाइन. क्योंकि वो हाइब्रिड है, थोड़ा बहुत मैकेनिकली चलता है, थोड़ा बहुत मैन्युअली भी चलता है. ओके फाइन. सो सेटअप एक्टिविटी, उसका बेस क्या? सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स. फाइन. जितनी जो प्रोडक्ट जितना सेटअप यूज करेगा, उतना उसको खर्चा एलोकेट होगा. फाइन. ओके. सो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? कॉस्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना कि किसके लिए खर्चा हो रहा है. अब जिसके लिए खर्चा हो रहा है, वो कितनी एक्टिविटी से पास हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करो. बराबर है? अब वो जितनी भी एक्टिविटी से पास हो रहा है, वो एक्टिविटी का बेस क्या है? कौन से बेस पे वो एक्टिविटी के खर्चे कंट्रोल हो रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट ड्राइवर. सो माय थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर. फाइन. फिर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट मिल गया. फोर्थ क्या? कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी मिल गया, कॉस्ट ड्राइवर भी मिल गया. क्या था कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी? 100 lakhs. कॉस्ट ड्राइवर, दैट इज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कितना था? 1 lakh. तो हमने क्या किया? कॉस्ट पर इंस्पेक्शन फाइंड किया. फाइन. कितना आया? 100 rupees पर इंस्पेक्शन. ये जो मैंने किया ना, उसको एबीसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कॉस्ट के ड्राइवर का रेट. कॉस्ट ड्राइवर रेट. कॉस्ट ड्राइवर रेट. ओवरहेड्स में क्या करते थे? रिकवरी रेट पर आर. देयर आर ओनली 2 बेस, रादर 6 बेस. फाइन. एक
मशीन आर, लेबर आर, आउटपुट, फिर परसेंटेज बेस में डीएम, डीएल एंड प्राइम कॉस्ट. दैट वाज ओनली थिंग फॉर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. इधर हर एक एक्टिविटी का क्या निकालेंगे? कॉस्ट ड्राइवर, बराबर है. तो 100 रुपीज पर इंस्पेक्शन लगा. फिर आप लोग ने क्या किया उसको, ये 100 रुपीज से क्या किया, जिसने जितना इंस्पेक्शन यूज किया उतना लगा दिया. फाइन. सो चार्ज टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, कैसे? तो बोले कॉस्ट ड्राइवर रेट इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड. क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स एक्टिविटी, बराबर है. ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंज्यूम्स ही एक्टिविटी, ठीक है. सो ये जो कॉस्ट ड्राइवर होता है ना, सॉरी, ये जो है ना, ये जो आपका एक्टिविटीज जो आया और ये जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो आया ना, फाइन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, रिसोर्सिस. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, रिसोर्सिस. तो नॉर्मली क्या होगा, रिसोर्सिस जो होगा वो एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है ना वो ये रिसोर्सिस को यूज करेगी, बराबर है. और जो ऑब्जेक्ट है वो ये एक्टिविटी को यूज करेंगे. नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, सी, किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस अ रिसोर्स. फाइन. देन लेबर आवर्स, दिस अ रिसोर्स. ओके, एरिया इन स्क्वायर फीट, दिस अ रिसोर्स. वो कौन यूज करेगा, वही एक्टिविटी यूज करेगा, बराबर है. समझ रहे? जितनी भी एक्टिविटी है वो ये रिसोर्सिस को यूज करेगा. और ये जो एक्टिविटी है उसको कौन यूज करेगा, उसको ऑब्जेक्ट यूज करेगा. फाइन. ओके, सो दैट इज व्हाट ड्राइवर्स आर यूज टू ट्रेस द रिसोर्स टू एक्टिविटी. ये जो कॉस्ट इन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो आप निकाले वो क्या है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर. दैट इज अ बेस टू ट्रेस व्हाट एक्टिविटीज हैव यूज्ड द रिसोर्सेस. क्लियर? एनी डाउट्स इधर तक? सो दिस इज व्हाट एबीसी कॉस्टिंग. अभी सम करेंगे तो ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. ओके, इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. एक्टिविटीज, हमने ये सीखा कि जो एक्टिविटीज है उसको हमको डिटरमाइन करना है. फाइन, यू हैव टू व्हाट, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज. बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, रादर व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, कैटेगराइजेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज. तो बोले एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिट लेवल एक्टिविटीज, बैच लेवल एक्टिविटीज, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज एंड फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज. फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी एक्टिविटी ही है, उसका सिर्फ कैटेगराइजेशन किया है. यूनिट लेवल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली, दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट. फाइन. ओके, दैट एक्टिविटी इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर आवर्स. ओके, सो मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम. फाइन, कंपोनेंट आप इंसर्ट करो, मटेरियल को हैंडल करो. ओके, मींस जो सीधा सीधा प्रोडक्शन के लिए जाता है, यूज होता है, कंज्यूम होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स. फाइन, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, प्रोडक्शन डायरेक्टली. ओके, एंड यू कैन वन टू वन कोरिलेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट लेवल एक्टिविटीज. देन बैच लेवल एक्टिविटीज, तो बोले कि
that is group activities. Fine. Let's say setting up of machine. अब मशीन को सेटअप करेंगे और वो मशीन में प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री तीनों तीन एक साथ पैरेलल प्रोसेस हो रहा है, then that is called as what? बैच लेवल एक्टिविटीज. बराबर है, फाइन, क्यों? पूरे बैच के लिए वो एक्टिविटी हो रहा है. ओके, यूनिट लेवल एक्टिविटी में सिंगल सिंगल होगा, सिर्फ प्रोडक्ट वन के लिए होगा. लेट्स से मैंने प्रोडक्ट वन के लिए परचेस ऑर्डर रेस किया, फाइन. अब कोई कोई परचेस ऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो एक साथ रेस करो तो चार पांच मटेरियल एक साथ आएंगे. ओके, सो दैट इज फॉर बैच लेवल एक्टिविटी. फाइन, देन प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी. प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया टूथपेस्ट. बराबर है, एवरी टाइम देर इज न्यू डिटर्जेंट. ओके, नींबू वाला, आमला वाला शैंपू, एग शैंपू, वो तो अभी भूल गए, अभी फ्रूट शैंपू. बराबर है, हाँ, बियर शैंपू, ठीक है. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सस्टेनिंग. प्रोडक्ट सस्टेनिंग बोले तो मार्केट में प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए जो रेगुलर अपडेशंस चाहिए, फाइन, ऐसी जो एक्टिविटीज होती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज. डिजाइनिंग, फाइन, डेरी मिल्क वॉज अर्लियर ऑल्सो इट वॉज अ डेरी मिल्क, नाउ इज ऑल्सो इट इज अ डेरी मिल्क, बट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. फाइन, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स शेप, साइज एंड एवरीथिंग. ओके, फाइन, सो दैट इज प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज. फाइन, देन फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज. फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज बोले तो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या तो कंपनी एज अ होल जो भी फैसिलिटी मिलता है, लेट्स ए कैंटीन फैसिलिटी, सिक्योरिटी गार्ड फैसिलिटी, फाइन, सो दीज ऑल आर वॉट फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटी. क्योंकि ये फैसिलिटी होगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, अच्छे से नहीं होगा. फाइन, सो एक्टिविटी इज एक्टिविटी बट इट कैन बी bifurcated into these four groups. Okay, आप लोग को इतना टेंशन करने वाली बात नहीं है, ये अगर आता है तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा 3 से 4 mark का, बाकी एग्जाम्पल में यू नीड नॉट टू सेग्रीगेट कि ये कौन सा एक्टिविटी है, ये यूनिट लेवल का एक्टिविटी है कि ये बैच लेवल का एक्टिविटी है कि ये प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी है, क्या है. फाइन, अगर ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन एक आ जाता है एबीसी कॉस्टिंग में से, तो एक छोटा सा थियरी ऐसा आता है कि फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज, क्लासीफाई दीज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इट्स कैटेगराइजेशन, देन यू हैव टू जस्ट आंसर. ओके, क्लियर इतना? सो नाउ यू नो कॉस्ट ड्राइवर, यू नो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फाइन, यू नो कॉस्ट पूल. कॉस्ट पूल इज नथिंग बट वेयर the individual cost are combined and we get a total cost, that is called as cost pool. ये पानी swimming pool नहीं है, ठीक है, cost का pool है. Okay, okay, no, so now just note, take a note of few theory and then we'll be starting with the question.